हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात की थी, जिसमें तीन इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स। ये तीन इक्वेशंस थी, जिसमें वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब है एक्सेलरेशन, टी टाइम एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशंस के बेसिस पे आज हम लोग एक एग्जांपल करने वाले हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मेरे पास सबसे पहले एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये सपोज कर लेते हैं हम लोग ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और ये सपोज कर लो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं। तो यहाँ से टॉप से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से हमने एक बॉल को थ्रो किया है ऊपर की तरफ, और जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है जो हम लोग यहाँ पर यू की वैल्यू है वो क्या लेंगे, 20 मीटर पर सेकंड लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, अगर हम लोग इसको एक ग्राफ के साथ कंपेयर करें तो जो ऊपर की तरफ मोशन होगा उसकी वैल्यूज हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे की तरफ होगा उसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन नेगेटिव यूज करेंगे। तो बॉल आपने ऊपर फेंका है तो ऊपर मतलब हम लोग पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। आगे, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको 25 मीटर उन्होंने दे दी है, यानी कि आपको 25 मीटर से ऊपर मतलब बॉल फेंक रहे हो, ओके। और हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो जैसे आपने बॉल यहां से फेंकी तो सपोज कर लो जो बॉल है वो यहां तक पहुंची है, यहां तक, इसको मैं एक्सेलरेट कर लेता हूं, तो मुझे ये एक्स कैलकुलेट करना है कि बॉल कितना राइज यानी कि ऊपर तक गई है। तो अब देखिए हमारे पास यहां पर हमें यू की वैल्यू गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट हमें पता करनी है, तो उसको आप क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ना हमें टाइम के बारे में कुछ बताया, बॉल यहां से फेंकी तो यहां पर आके इंस्टेंटली कुछ सेकंड्स या कुछ मिली सेकंड्स के लिए वो क्या आएगी, जीरो पे आ जाएगी, यानी कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इस पॉइंट पर। सपोज कर लो पॉइंट ए है, हम लोग बॉल फेंकते हैं तो एक हाइट पे जाके वहां से वो वापस नीचे आती है, तो यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तभी तो वो और ऊपर नहीं जा पाई, तो उस वेलोसिटी को हमने क्या लेट कर लिया, 0 लेट कर लिया। क्योंकि ये वाला जो मोशन है वो ग्रेविटी के लिए हो रहा है, क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हो बॉल को, तो ग्रेविटी एक नीचे की तरफ अट्रैक्शन देगी, तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर कितना आएगा, 9.8 या 10, इन्होंने 10 लिया हुआ है तो अपन 10 लिख लेते हैं, 10, और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, क्योंकि अर्थ पुल करती है, तो ये नीचे की तरफ होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम लोग क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब चलिए, अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, मुझे एक्स पता करना है, तो क्लियर है कि मेरे पास एज पर द गिवन सिचुएशन थर्ड इक्वेशन लगानी सबसे बेस्ट रहेगी। तो वी क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर, U क्या है, 20, तो 20 का स्क्वायर, A की जगह पुट कर दोगे माइनस का 10,
और x का क्या लिख दोगे, x लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होगा और ये 20x बन जाएगा। 20x इधर आके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 400/20 यानी कि 20। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारी बॉल है वो 20 मीटर ऊपर तक ट्रैवल करेगी, यानी कि आप बॉल यहाँ से फेंकोगे तो वो 20 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करने वाली है। ओके, तो ये पहला पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया, दिस वॉज ए पार्ट जिसमें मुझे एक्स फाइंड आउट करना था। अब आगे सुनिए, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, और हमसे पूछा है कि कितना टाइम लिया जाएगा बॉल के द्वारा कि वो वापस ग्राउंड पर आ जाए, ग्राउंड पे, नॉट हेयर, ग्राउंड पे, यानी कि इसको बी मान लो और ये सी ग्राउंड हो गया। तो मतलब पहले बॉल यहाँ से यहाँ पे गई ए और फिर सी पे आएगी, मैंने इसके पैरेलल पॉइंट मान लिया ताकि मैं ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर सकूँ। चलिए तो करेंगे अपन क्लियर, यहाँ से अपन इसको इरेज कर देते हैं। तो हमें निकालना है टोटल टाइम, तो सबसे पहले तो हमारा जो मोशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। एक पार्ट हो गया जब आपकी बॉल यहाँ से यहाँ पे गई है और दूसरा टाइम बी से सी के लिए हो गया। तो पहले हम लोग लिखेंगे T1 इज इक्वल टू टाइम फॉर बॉल इन अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड ऊपर की तरफ वाले मोशन के लिए जो टाइम है उसको मैंने T1 लेट कर लिया। चलो अब देखो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे v भी पता है, मुझे u भी पता है और मुझे a भी पता है, तो यहाँ से T1 निकल के आ जाएगा। क्योंकि आप x कैलकुलेट कर चुके हो तो आप सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए हम लोग सिंपल वे में फर्स्ट अप्लाई कर देते हैं। तो मैं पहले मैं लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। v की वैल्यू ओपन मोशन के लिए 0 है तो 0 आ गया, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव, a की वैल्यू एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से -10, और टाइम को मैंने क्या लेट कर दिया है T1 लेट कर दिया है। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा -10 T1 इधर आके प्लस का, तो ये T1 की जो वैल्यू है वो आ गई 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। तो यानी कि जो ऊपर वाला मोशन है उसमें जो टाइम है वो 2 सेकेंड का रहेगा यहाँ से यहाँ पर जाने, तो ये टाइम 2 सेकेंड्स का है। अब बॉल आपकी ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, तो इसका जो टाइम है वो हम लोग T2 लेट कर लेते हैं। लेट T1 इज इक्वल टू दिस, लेट T2 इज इक्वल टू टाइम फॉर बॉल इन डाउनवर्ड मोशन। अब नीचे की तरफ जो मोशन है उसके लिए टाइम T2 लेट कर लो। अब देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, अब हमारे पास बॉल यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये जो है कि अब आप ये मान के चलो, अज्यूम कर लो कि बॉल आपकी यहाँ पे है और हमने इसको ऐसे छोड़ा है। जब आप बॉल को ऐसे छोड़ेंगे तो ये फ्री फॉल में आ जाती है, और जब बॉल फ्री फॉल में होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यानी कि बी से सी मोशन के लिए या डाउनवर्ड मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोग क्या ले लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। क्योंकि अब नीचे की तरफ बॉल आ रही है, नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे मोशन लगा रहे हैं, तो इसीलिए जो यू है वो हम लोग क्या लेंगे, -0 ले लेंगे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता बट फिर भी चलिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे बात करते हो कि यहाँ से यहाँ पे बॉल आएगी, तो जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस बॉल ने 20+25 यानी कि 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, टोटल 45 मीटर, क्योंकि बॉल को ग्राउंड पे पहुंचना है,
वही बात है, नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ हमने डायरेक्शन क्या मानी है, नेगेटिव, तो इसीलिए हम लोग x की वैल्यू माइनस का 45 लिखेंगे। टाइम जो है उसको t2 लेट कर लो और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस का 10 होगी, क्योंकि ग्रेविटी तो चाहे आप कोई चीज़ ऊपर करो चाहे नीचे करो वो तो नीचे की तरफ ही लगनी है, तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना है टाइम टी, तो मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन की हेल्प ले लूँगा। मैं पहली इक्वेशन को क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे वी मिलेगा और वी मुझे चाहिए, लेकिन वी मेरे पास नहीं है। तीसरी इक्वेशन का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर भी वी की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस का 45 है, u की वैल्यू माइनस का 0 है और टाइम हमारे पास t2 है, एक्सेलरेशन माइनस का 10 है और t स्क्वायर मतलब t2 का स्क्वायर है। लो जी, हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी, ये तो माइनस 45 है, इसको भूल जाओ, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होता है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 5 t2 स्क्वायर। माइनस का जो 5 है उसे आप डिवाइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 9, और जब आप इसका रूट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 सेकेंड। माइनस का भी आएगा लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता तो उसको निगलेक्ट कर दोगे, तो यानी कि ऊपर से नीचे आने में टोटल 3 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है ऊपर से नीचे। तो अब जो टोटल टाइम है टी, टोटल टाइम इज टी, तो ये किसके इक्वल होगा, T1 प्लस T2, T1 मतलब ऊपर गई बॉल और T2 नीचे जा रही है, T1 मेरे पास 2 सेकंड्स है, T2 मेरे पास 3 सेकंड्स है, तो टोटल मुझे 5 सेकंड टाइम लगेगा, बॉल को पहले ऊपर जाएगी फिर ऊपर से नीचे आएगी, 5 सेकंड इज द आंसर। यस, सही है। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल जो था न्यूमेरिकल वो डन हुआ, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए तो इस न्यूमेरिकल में तीनों इक्वेशन यूज़ कर ली। पहले पार्ट में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax वाली यूज़ हुई, इस वाले में पहले ये वाली इक्वेशन यूज़ की फर्स्ट वन और फिर ये सेकेंड वन यूज़ की, तो मतलब इस एग्जाम्पल से आपकी तीनों इक्वेशंस की प्रैक्टिस उन्होंने आपको करवा दी। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है फ्री फॉल, इसको एज एन एग्जाम्पल उन्होंने आपको करने के लिए दिया है, तो हम लोग भी इसको एज अ टॉपिक और एज एन एग्जाम्पल दोनों तरीकों से करेंगे, और साथ में कुछ ग्राफ्स भी हैं फ्री फॉल से, तो वो भी आपको समझ आने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो अपन हेडिंग लिख लेते हैं फ्री फॉल, डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर भी कुछ मोशन शो करेगी उसको निगलेक्ट करो, उसको जीरो करो। एग्जाम्पल है मेरे पास या टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, इफ अगर एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, मतलब क्या है, फ्री फॉल वो स्टेट है अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, फॉल कर रहा है, और सिर्फ किसके इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटी, कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे ये मार्कर है, मैंने इसको ऐसे रिलीज कर दिया तो ये नीचे आ रहा है, कौन खींच रहा है इसको इस समय, अकेला ग्रेविटी यानी जो अर्थ का पुल है वो इसको खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमेशा, जैसे अभी अपन ने न्यूमेरिकल में भी किया, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो यू होती है वो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, माइनस लगा दें अगर डायरेक्शन का कन्वेंशन करना है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली बात करें तो 0 मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब अगर मैं मार्कर यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 है, और जब इसको रिलीज कर दिया तब इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। और जो ए है उसको हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम लोग लिखते हैं ए को रिप्लेस कर देते हैं जी के साथ। और अगर प्योरिटी में बात करें तो उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 10 भी लिख लेते हैं। माइनस का साइन वही है, साइन कन्वेंशन है, अदरवाइज सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और बाकी सब कुछ तो कहानी वही चलेगी जो आपकी मतलब चलती है। अब हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दूसरे इक्वेशन की जरूरत है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली वो हमें समझाते हैं जो अपनी बुक में दिया हुआ है। मतलब सेकंड सॉरी गलती लेगा, वो तो अगला टॉपिक है। तीनों इक्वेशन लिखता हूँ, पहले मैं तीनों इक्वेशन लिखूंगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स। ये तीनों इक्वेशन मैंने लिख दी, यही अपा पढ़ते आए हैं। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई का मतलब क्या है, u जीरो ले लो और a की वैल्यू g ले लो। वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सिंपल g लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू तो जीरो है तो ये तो खत्म हो गया, a मल्टीप्लाई बाई टी यानी कि g मल्टीप्लाई बाई टी, और इसको अपना नेगेटिव। यहाँ पे इन्होंने बुक में नेगेटिव यूज़ किया हुआ है, और उसकी वजह क्या है कि वो अपना डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। तो मैं इधर माइनस जी लिख देता हूँ ताकि फिर वो सिमिलैरिटी बनी रहेगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बुक में से। अगे एक्स यू जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी थिंग जीरो हो जाएगा, खत्म। हाफ ए की जगह जी आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने ए को माइनस जी लिखा है तो मैं माइनस का साइन आगे प्लेस कर दूंगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह g लिख दो और नेगेटिव का साइन क्योंकि साइन कन्वेंशन है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एक्स। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई, और ये कब लगेंगी जब आप फ्री फॉल की बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेनी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस का जी, जिसकी वैल्यू फिक्स है। प्योर की बात करोगे 9.8 है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। चलिए अब आप ग्राफ बनाते हैं, इसके तीन ग्राफ्स हैं और तीनों ही बड़े अच्छे ग्राफ हैं, बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो मेरे पास तीन ग्राफ है, पहला ग्राफ है एक्सेलरेशन और टाइम यस। लो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, मैं इधर सारी डिटेल लिखता हूँ। पहले तो ये हो गया ए, और ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 1, 2, 3, 4 कुछ भी टाइम हो सकता है, और यहाँ पर सपोज करो 1 माइनस का 2 -3 -4 -6 -7 -8 -10, ठीक है जी। ओके, ये मेरा ग्राफ का फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आप ग्राफ बनाते हैं ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैंने इसको यूं बनाया है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स पॉजिटिव है यानी टाइम पॉजिटिव है, और y नेगेटिव, y मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। y नेगेटिव क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ किसकी बात कर रहा हूँ, फ्री फॉल की, और फ्री फॉल में नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है तो इसीलिए ऑटोमेटिकली है वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो अगर मैंने अभी आपको बात की कि हमने a को g पुट कर लेना है, और बात क्या करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो 9.8 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो टाइम कुछ मर्जी होता रहे, एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट रहने वाला है। 9.8 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हर जगह वो सेम ही होगा, चाहे ऊपर से नीचे आ रहा है जितना मर्जी आ रहा है, एक्सेलरेशन ने चेंज नहीं होना। तो दैट इज वाई हमारे पास एक लाइन खींची जाएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहला ग्राफ हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसमें फ्री फॉल में क्या है, एक्सेलरेशन विल बी द कांस्टेंट, ए लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये कहानी है पहले ग्राफ की।
आई होप कि बहुत आसान है ग्राफ आप लोगों के लिए, इसको आप इजीली बना सकते हो। अब करते हैं सेकंड ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम के बाद आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे हम लोग। लो जी, दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज टाइम सेकंड, और ये ओरिजिन, और ये वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड। फर्क है वो एक्सेलरेशन था और ये अब वेलोसिटी आ गई। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि मोशन नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी डायरेक्शन मैटर करती है, तो नेगेटिव। तो 1, 2, 3, 4 मैं आपको प्रॉपर वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू रैंडमली नहीं निकालूंगा, आपको आपको दिखाता हूँ। हमने इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको याद हो, फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू माइनस जी टी, आपको याद होगा। अभी हम लोगों ने तीन इक्वेशन लिखी थी ना इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उनमें से पहली इक्वेशन ये बनी थी। यू जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होती है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग ग्राफ की। अब आगे की वैल्यूज मैं बाद में लिखूंगा, पहले पुट करते हैं। टाइम टी को वन पुट करते हैं वी वन, तो माइनस जी, अच्छा जी की वैल्यू पुट कर देंगे 9.8, और टाइम कितना है मेरे पास 1 सेकेंड, तो यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 9.8 मीटर पर सेकंड होने वाली है एक सेकंड में वेलोसिटी। तो सपोज कर लो ये मेरा 10, 20, 30, 40, 50 सपोज कर लेते हैं, तो ये 9.8 इधर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर उसके बाद V2 निकालेंगे, G की वैल्यू तो फिक्स है 9.8, टाइम 2 तो 19.6, तो वो 20 की पहली आ जाएगी, तो सपोज करो यहाँ पर तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से V3 निकालोगे, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 24 to 29, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ ऐसे, ये लगा लो। तो ऐसे करते करते वो लाइन ऐसे सीधी जाएगी आपकी, तो एक सीधी लाइन जा रही है लाइक दैट। क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मोशन होता है तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे लाइन चलती है कि वेलोसिटी अब धीरे धीरे, अच्छा ये नेगेटिव ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे आपकी इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ है। तो आपको ये दिमाग में रखनी है कहानी कि जब आप लोग टाइम को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो दैट इज व्हाई वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर नेगेटिव आपको अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे ना तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मिलेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो लाइक दैट ऐसे, ठीक है ना, वो चीज़ है हमारे पास। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया जब आप फ्री फॉल की बात करते हो। ये हमने दूसरा ग्राफ रोक किया। उसके बाद बात करेंगे अब तीसरा ग्राफ की, थर्ड ग्राफ है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई थिंक इसको ये पोजीशन ग्राफ लिखते हो, डिस्टेंस विद टाइम, हालांकि मैं डिस्प्लेसमेंट ही बोलूँगा क्योंकि सीधी लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कहानी आएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट, और वो लिखा जाएगा इन मीटर्स, मीटर्स में लिखा जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ओके, टाइम ले लो 1, 2, 3, 4, 5 और ये जीरो, ठीक है। चलिए अब पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर मैं फ्री फॉल की बात करता हूँ तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, ये तो आपका जीरो हो जाता है क्योंकि यू जीरो है, तो ये चला जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को जी के इक्वल पुट करते हैं नेगेटिव में। तो अगर मैं पहले टी वन की बात करूँ तो एक्स वन क्या आएगा, 9.8 जी की वैल्यू
अपॉन टू, वन का स्क्वायर वन होता है, तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर। कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 4.9। तो मैं इधर 5-5 का गैप ले लेता हूँ, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35 एंड -40। तो x1 की वैल्यू आएगी -4.9, तो ये अप्रोक्सीमेटली इधर आ जाएगा, t1 पे -4.9 है। फिर अपन 2 पुट कर लेते हैं, तो 9.8 तो फिक्स है, नीचे 2 भी फिक्स है। टी स्क्वेयर टाइम मैंने 2 लिया, तो 2 का स्क्वेयर क्या होता है, 4 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 19.6, यानी कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, और ये चीज है यहाँ। ओके, उसके बाद टी थ्री पे देख लो, 3 का स्क्वेयर होता है 9, तो ये अपना आ जाएगा 4.9, इसको इसके साथ डिवाइड किया इंटू 9, तो 44.1, तो ये आ जाएगा आपका 45, तो ये बन जाएगी कहानी लगभग यहाँ से, ऐसे कहानी लगा लो, ठीक है। तो मैं जो शेप है वो देख रहा हूँ वो ऐसे बनेगी, जब इसको ज्वाइन करोगे कर्व लाइन सी बन जाएगी आपके पास ऐसे, ठीक है। थोड़ा अगर आप बनाओगे ना स्केलिंग वगैरह के साथ तो थोड़ा ज़्यादा बेटर बन जाएगी। तो मेरी कर्व बन रही है, सीधी लाइन नहीं है, कर्व बन रही है, क्योंकि जो एक्स है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस ऐसे जाएगा, एक कर्व जाएगा, और इस तरीके से आपके तीनों ग्राफ होते हैं फ्री फॉल वाले। तो अगर मैं एक एक्सप्लेन करूँ, मतलब एक्सप्लेन छोड़ो, मतलब मैं आपको एक ही बार में आप तीनों बना के दिखाता हूँ, तो आप फर्क पहचान कर लोगे कि क्या क्या फर्क है इन तीनों में। और शेप आप याद ही रख लो तो अच्छा है, अगर याद नहीं रहती या कन्फ्यूजन होती है तो आप फिर बना के देख सकते हो, वैल्यूज आपको पता चल गया कि कैसे आप हर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले का मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं सिंपली बस आपका ड्रॉ कर रहा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ग्राफ ऐसे बना था जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस, तो ये था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फिर सेकंड ग्राफ था, सेकंड ग्राफ था मेरा टाइम टी, ये जीरो, और ये थी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और हम लोग क्या देख रहे थे कि नेगेटिव में टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी एक कांस्टेंट रेट पर, क्योंकि जी की वैल्यू फिक्स होती है, तो एक लाइन यूं जाएगी। और तीनों ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है, दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, डाउनवर्ड मोशन कह लो आप। इधर मैं एक्स लिख देता हूँ मीटर में, और ये एक यू ग्राफ बन जाता है लाइक दिस। तो ये तीनों ग्राफ हैं, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम जो हमारी बुक में दिया हुआ है। तो ये फ्री फॉल के ग्राफ्स हो गए। तो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, काइंडली इसकी प्रैक्टिस और रिविजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।